तो आप इसी से अवगत हो जाइए कि उनको पीरियड्स आने वाले हैं, और वो उसको बताना, तभी आप उसको तैयार कर सकती हैं कि बेटा आपको पीरियड्स आने वाले हैं और आपको इसमें क्या क्या करना है, और वो आप उनको उसी टाइम उनको मेंटली तैयार कर सकती हैं, क्योंकि मेंटली तैयार करना बहुत ज़रूरी है इन बच्चों को। अगर बच्चा मेंटली तैयार नहीं होगा तो उसके बावजूद उनको जब पीरियड्स आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे, हाइपर होने की वजह से वो पूरे घर में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दोस्तों इसमें क्या होता है, लड़कियों को कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, उनका जो लैट्रिन पास है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, इस वजह से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। साथ में उनको सिर दर्द रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, और बार बार पेशाब जाएंगी, और शरीर में उनमें अत्यधिक पानी की मात्रा बढ़ जाएगी अभी, और उनके पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से आप उसको भी पहचान सकते हैं कि बच्चे के पैरों में स्वेलिंग आ रही है, यानी कि उनका मेंशन पीरियड्स टाइम आ शुरू होने वाला है, उनको नज़दीक आ रहा है। साथ में उनका जो प्री हार्मोन चेंजेस है, यानी कि हार्मोन चेंजेस का, नॉर्मल गर्ल्स में भी हार्मोन चेंज होते हैं पीरियड आने से पहले, इसी तरह सेम हमारे जो दिव्यांग गर्ल्स हैं, दिव्यांग लड़कियाँ हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स आएंगी कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाली गर्ल्स को भी ये हार्मोन चेंजेस, पी हार्मोन चेंजेस होंगे, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। साथ में उनका जो माहवारी के दौरान है, उनके जो बैक साइड में बहुत ज़्यादा पेन होएगा, वो एक जगह बैठी रहेंगी और कभी भी वो अपने बॉडी को टच नहीं करने देंगी। आप में ध्यान दीजिएगा, जो मेंटल रिटार्डेशन वाली गर्ल्स हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, ये जब भी इनको पीरियड्स आने होते हैं, ये अपने आसपास अपने माता पिता, भाई बहन या दोस्तों को और टीचर्स के साथ भी ये व्यवहार नहीं करते, और उनसे कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं करती हैं, इसलिए ये अलग ही रहती हैं और अपने आप को दूर रखते हैं। अगर इनको टच करने की कोशिश करते हैं तो ये चिड़चिड़ा हो जाती है, हाइपर हो जाती है और हार्मफुल भी होते हैं, कई बार ये मार भी देती हैं। दोस्तों जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाली गर्ल्स में जो प्रॉब्लम आती है पीरियड्स के दौरान, उनमें एक मेन प्रॉब्लम आती है, जो उनकी ब्रेस्ट है वो बहुत भारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो उससे इनसिक्योरिटी सी फील करती हैं, और इनसिक्योरिटी फील करती हैं और उनको अलग सा व्यवहार आता है उनके, वो बार बार उनको टच भी करती हैं कई बारी, तो आप देख सकते हैं कि उनमें हार्मोन चेंजेस आ रही हैं, सेक्सुअल इच्छा भी पैदा होती है, जैसे ही वो 14 साल से ऊपर होती हैं लड़कियाँ, तो उनमें सेक्सुअल इच्छा भी पूरी शुरू हो जाती हैं, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है कि जब बच्चा इस तरह की कोई हरकत कर रहा है तो हम उसको उस टाइम के उस दौरान हम बता सकते हैं कि बच्चे को पीरियड्स आने वाले हैं, और उसको पैड, पैंटीज और कैसे यूज़ करना, कैसे डिस्पोज करना, ये सब हम जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि लड़कियों में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी मेंशंस के पीरियड्स के दौरान, तो इसके बारे में आपको जानकारी दे रही थी, अब इसी का मैं जो बता रही हूँ उपाय बताने वाली हूँ, कि यानी कि इसका इलाज क्या है। जब हमारी बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम आने लग जाए, मेंशंस में प्रॉब्लम आने लग जाए, तो मैं इसका उपाय क्या करना है इसके बारे में जानकारी देने लगी। दोस्तों जैसे कि मैं बता रही थी कि अपने बच्चों को जो मेंशंस की प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जानकारी दे रही थी, तो इसी तरह दिव्यांग लड़कियों को जब मेंशंस आ जाते हैं तो इसमें क्या करना चाहिए। अगर उनके पेट में दर्द है, बॉडी पेन हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसको हल्की सी मेडिसिन देनी है, भी कोई भी पेन किलर दीजिए, लेकिन उसको दीजिए जरूर, क्योंकि उसका जो हाइपरपन है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, वो ज़रूर कम होगा। और साथ के साथ आपको क्या करना है, उसके जो खाने में नमक की कमी जो मात्रा है उसको कम कर देना है। उसके खाने में जितना ज़्यादा नमक आप कम करोगे वो उतना ज़्यादा रिलीफ फील करेगी, और उसको उसमें चैन आएगा, और वो अपने पीरियड्स के दौरान को आराम से निकाल सकेगी। और साथ में उनको साबुत अनाज देना है, नहीं कि अनाज जो आपने देना है, खाने में उसके परिवर्तन करना, डाइट चेंज करनी है उसको। आप दलिया दे सकते हो, खिचड़ी दे सकते हो, सोयाबीन से बनी सब्जी दे सकते हो, सोयाबीन का दलिया दे सकते हो, इससे रिलेटेड आप मूंगफली, मूंगफली की सब्जी दे सकते हो, मूंगफलियाँ दे सकते हो, यानी कि पौष्टिक आहार देना है, जिससे वो उसके अंदर बॉडी का जो प्रोटीन्स हैं वो पूरे हो सकेंगे। आपको उसके डाइट प्लान चेंज कर देना है साथ, ताकि वो अपने पीरियड्स के दौरान जो दिन आते हैं वो उनके लिए वो तैयार हो सके, और उसके लिए उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। दोस्तों जिन घरों में नॉनवेज खाया जाता है, आप उनको नॉनवेज दे सकते हैं, उसमें अब मछली वगैरह दे सकते हैं, अंडा दे सकते हैं, प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी मांसाहारी भोजन होते हैं आप उनको दे सकते हैं।
और साथ ही साथ बच्चे को अपने को दूध जरूर दीजिएगा, हर रोज़ दूध जरूर दीजिएगा, क्योंकि दूध में जितना ज़्यादा प्रोटीन होता है उतना। दोस्तों जो हमारी गर्ल्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है, उनके पेट में दर्द होना शुरू होता है, बैक में दर्द होता है, मेंशन आने से एक हफ्ते पहले उनको ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो बता नहीं पाती इस दर्द को, और वो हमें खुद उनके फेस इंप्रेशन से पता करना होगा कि उनको दर्द हो रहा है। तो जैसे पता लगे कि उसको दर्द हो रहा है तो आप उसके पेट के निचले हिस्से पे हल्के हल्के तेल से मालिश कीजिए, मालिश करने से उनको रिलीफ होगा और उनकी जो मांसपेशियाँ वो खुलने लग जाएंगी और जो पीरियड्स का जो उनको दर्द होने वाला है, दर्द हो रहा है वो कम हो जाएगा, तो इससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों साथ में जो हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाली गर्ल्स हैं इनके लिए हमें क्या करना है कि इनको अजवाइन का पानी दीजिए, अजवाइन का पानी इनको उबाल के दीजिए, अजवाइन दीजिए, ताकि जो इनको कब्ज़ की प्रॉब्लम है वो कब्ज़ नहीं रहेगी, और कब्ज़ की वजह से जो इनको पेन होना शुरू हो रहा है यानी कि पीरियड दौरान से एक हफ्ते पहले जो पेन हो रही है वो पेन भी कम होना शुरू हो जाएगा, अजवाइन से उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। और साथ में अगर उनके बैक में या पेट में आगे के हिस्से में दर्द हो रहा है तो वहाँ पे आप गर्म पानी से उनका हल्का हल्का जरूर सेक करें सोने से पहले, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनका सेक करेंगे उनकी उतनी मांसपेशियाँ ओपन होएंगी और उनको पीरियड्स खुल के आएंगे और आराम से आएंगे। साथ में उनको रोज़ सुबह खाली पेट अदरक की चाय जरूर दें, अदरक की चाय देने से उनके अंदर जो गर्मी की मात्रा बढ़ती है और उसका जो पानी की कमी है वो कम्प्लीट होती है, और जो भी एंटीबायोटिक उनके अंदर इन्फेक्शंस वगैरह होगा वो भी उसको रिलीफ देगा। तो हमारे जो बच्चों को हम डेली जो एक्सरसाइज करवाते हैं उनको हल्की हल्की वो एक्सरसाइज करवाएं, और पीरियड के दौरान जब उनको आपको लगता है कि एक इतने दिन में उनको पीरियड्स आने वाले हैं तो उनको क्या करना है, उनको एक्सरसाइज करवाएं, उनको थोड़ा चलना पैदल चलाएं, उनको सैर कराएं, उनको मैक्सिमम आधा घंटे की जरूर सैर करवाएं डेली की, ताकि उनकी जो मांसपेशियाँ वो सख्त हो सकें। और साथ में उनको आपने क्या करना है कि कोई भी भारी भरकम एक्सरसाइज ना कराएं और ना ही उनसे भारी भरकम कोई सामान उठवाएं, और जितना हो सके घरेलू काम करिए, घरेलू इलाज कीजिए, और बच्चों को हमेशा अपने ऑब्जर्वेशन में रखिए कि बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर बच्चे में सेक्सुअल इच्छा हो रही है तो आप उसको भी नोट कीजिए कि बच्चे को किस दौरान ये इच्छा आ रही है, तो इन चीज़ों को भी आपको नोट करना है। दोस्तों एक जानकारी और देना चाहूँगी, अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा, हर 4 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद पैड जरूर चेंज करवा दीजिएगा। अगर बच्चा स्कूल जाता है या किसी व्यवसाय क्षेत्र में जाता है तो वहाँ पे उसके बैग में पैड 4-5 पैड जरूर डाल के भेजिए, और उसको एक पर्ची लिख के दीजिए या उसके ऑफिस क्लिक में किसी को भी जानकारी दीजिए कि इसको 4 घंटे बाद वो पैड चेंज करने के लिए कहा जाए, और बच्चे को भी बार बार रिमाइंडर दीजिए कि हाँ ये पैड चेंज करे और लगाए। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे को, इसके लिए हमें तैयार करना है, और इसी तैयारी के दौरान हमारा बच्चा एक्टिव रहेगा और हमेशा स्वस्थ रहेगा। हाइजीनिक भी रखना है, स्वास्थ्य भी रखना है उसका, और बच्चे को पीरियड्स के दौरान स्वस्थ रखना है। दोस्तों अभी जो मैंने इस वीडियो में बताया आपको कि बच्चों को मेंशंस जब आते हैं, लड़कियों हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाली लड़कियों को जो मेंशंस आते हैं तो उनको कैसे हमने डील करना है और कैसे उसके लिए हम पीरियड्स के दौरान हमें उन्हें तैयार करना है, और उनको जो जो पीरियड आने से पहले प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन भी मैंने आपको बताया। अब लास्ट सोल्यूशन ये है कि हम जैसे पीरियड आ जाते हैं गर्ल्स को, आने के बाद उनको पैड लगाना, पैंटिस चेंज करना, पैड को डिस्पोज करना। मैंने शुरू में भी बोला था कि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरा का पूरा प्रोसेस बताएंगे पीरियड्स के बारे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए। तो आज जो हमारा जो मैं बताने जा रही हूँ कि बच्चे को कैसे पैड लगाना है और कैसे उसको चेंज करना है और कैसे उसको डिस्पोज करना है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सेशन है, प्रैक्टिकल सेशन के दौरान ही मैं आपको ये दिखा रही हूँ।
दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आनी है और कैसे इसका सलूशन है, और आपको पैड लगाना भी सिखा दिया है। तो इसी तरह अब आप बच्चे के पेरेंट्स जो भी हैं उसको ध्यान से देखिएगा, और अपने बच्चे के जो मूवमेंट्स हैं आप उनको नोट कर दीजिएगा। मंथली उनको किस डेट में किस डेट पर वो आते हैं, एक कैलेंडर लगाइए, रजिस्टर लगाइए, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते जाइए कि हाँ इसको इस डेट पर आ रहा है और इस डेट पे हमने बच्चे को तैयार करना शुरू करना है। क्योंकि आपको एक हफ्ते के पहले की मेहनत आपके बच्चे के वो 4 या 5 दिन की मेहनत पे आपको असर दिखाएगी। अगर आप एक हफ्ता उसके साथ मेहनत कर लेंगे तो आपके जो बच्चे के पीरियड्स का टाइम है वो नॉर्मली निकल जाएगा, आपको उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, बच्चा भी डिप्रेस नहीं होगा और वो नॉर्मली लाइफ में आ जाएगा। तो इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।